नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जवान फिल्म के बारे में, वाई शुड वी वॉच जवान मूवी, क्योंकि कुछ हेटर्स अभी भी हैं जो इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। क्या इस फिल्म का बायकॉट करना चाहिए? यदि कर भी रहा है तो कौन है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है उन लोगों का, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। जानते हैं, क्योंकि आजकल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में फिल्में जो होती हैं समाज का, देश का, वहाँ के संस्कृति का, वहाँ के लोगों का एक आईना होती हैं, ठीक। और कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो यह समझती हैं यदि इस फिल्म से हमारी पार्टी को कोई नुकसान होता है, हमारी छवि झूमिल होती है, तो अपने कार्यकर्ताओं से कहो इस फिल्म का बायकॉट किया जाए, अन्यथा जो नज़दीकी का चुनाव हुआ उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। तो मैं बता दूँ, इस फिल्म को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग से आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा निकल कर आएगी। और सही मायने में मैं बताऊँ, ये फिल्म पूरी तरह से राष्ट्र के ऊपर ही बनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भारतीय देश के बारे में नहीं, आप किसी भी देश में हों जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें हों, वहाँ से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि वास्तव में किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ की जनता ही सब कुछ होती है, क्योंकि वहाँ की जनता ही, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, जिसे आप विधायक और सांसद कहते हैं, उनका चुनाव करके उनको संसद और विधानसभा भेजती है। अब सोचिए, जब हम जानते हैं, मैंने कई बार इस चीज़ को महसूस किया है, मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा भी है, एक इंसान जब कपड़ा लेने जाता है, ठीक, सोना चांदी लेने जाता है, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गहन परीक्षण करता है, अपने रिश्तेदारों से पूछेगा, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट, जब कभी कोई हॉस्पिटल जाता है तो पहले 10 लोगों से फ़ोन लगा के पूछेगा, हाँ भैया वहाँ का ट्रीटमेंट कैसा होता, क्या नहीं है, मतलब इतनी जानकारी ले लेगा। और अच्छी बात भी है, ठीक है, सबसे पहले किसी संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी ले लें, फिर जाकर उनसे जो भी आपको सेवा लेनी है, देनी है, तभी दें। पर जब हमारे यहाँ सरकारों की बात आती है तो कुछ सरकारें किस प्रकार से हमें और आपको प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं, जो जिस लालच में, प्रलोभन में फंस जाए उसको वही दे दो, उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लो। सोचिए, क्या हमारे वोट की कीमत एक शराब और मुर्गा है? मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूँ, जो लोग भी गांव से ताल्लुकात रखते हैं, गांव में जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, जिसमें उस गांव की जो जनता होती है प्रधान जैसे पदों को चुनकर वहां पे भेजती है, ठीक है, कि आप हमारे गांव का विकास करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके बाद क्या होता है? और मैं आपको बता दूँ, इससे पिछला 2-3 साल पहले जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था, तो लोग मुर्गे दारू बियर पे बिक गए थे, और कुछ लोग पैसे, मैं बोला ने कि जो जिस प्रकार से माने उसको अपनी जकड़ में पकड़ लो। पर मित्रों, आपको बता दें, यही हमारी और आपकी कमी है, यही कमी है कि आज हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है हम बहुत आगे हैं? अरे मूर्ख हैं हम लोग, हम बहुत आगे नहीं हैं। जब कंपैरिजन की बात आती है, तुलना की बात होती है, तो हम किससे बात करते हैं? अरे पाकिस्तान में ये रेट चल रहा है तेल का, प्याज का, आलू का, धान का, चावल का। बांग्लादेश की बात आती है तो उससे भी यही कंपैरिजन कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत जैसा देश, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ऐसे देशों के साथ हमें अपनी तुलना करनी चाहिए, या यूरोप के या फिर उत्तरी अमेरिका के चुनिंदा देशों से तुलना करनी चाहिए? क्या हमारे पास नहीं है? बस हमारे पास जानते क्या नहीं है, जो जवान फिल्म में दिखाया गया कि हमारे पास अच्छे सच्चे देशभक्त नेता नहीं है। जो नेता लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ से जिनको फायदा होता है उनको प्रमोट करते हैं, और हम गरीबों को, ठीक है, शोषितों को, मजदूरों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, यदि कोई सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ दे रही है तो बहुत अच्छा है? मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपके बच्चे को, जिस तरह से जवान फिल्म में दिखाया गया है कि इस बार जब चुनाव हो तो अपनी सरकारों से, अपने नेता लोगों से ये पूछिए कि क्या तुम मेरे बच्चे को शिक्षा दे सकते हो,
यदि मैं किसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हूँ तो क्या सरकारें मेरे बच्चे को, जो मेरा बच्चा चाह रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ा सकती हैं? क्या मेरे लोगों को रोजगार दे सकती हैं? मैं आपको कितने साल पैसा दूं? आज 200 रुपया दे दिया, कल 500, 200, 500, पर जिस दिन आप उसी व्यक्ति को रोजगार दे दिए ना, वो स्वयं में अपने आप में एक अलग गर्व महसूस करेगा। किसी के टुकड़े पे पलने में और खुद नौकरी करने में और खुद बिजनेस करने में बहुत अंतर होता है। आप एक बार करके देखिए, नहीं तो उन लोगों से आप जाकर पूछिए जो लोग फलाने नेता के साथ कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं और उनका कितना बड़ा शोषण हो रहा है। परिवार से भी दूर हैं, ठीक है, वो अब धीरे धीरे अपने खुद से दूर हो जाएंगे। उन्हें बात ये पता तब चलेगी जब उनकी उम्र पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, जब वो यूजलेस हो जाएंगे, किसी पार्टी सोसाइटी के लिए काम नहीं आएंगे, फिर उनको उसी हाल पे छोड़ दिया जाएगा। पूछिए किसानों के लिए, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या सही है? लोन रिकवरी वाले जाते हैं, तमाम तरह की गालियां देते हैं, उनके साथ फिजिकली हिंसा करते हैं, इस फिल्म में दिखाया भी है। और ऐसे कुछ मूर्ख, कुछ चूतियां इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो इन लोगों की मनोदशा के समझने का प्रयास करें, इनकी मानसिकता कहाँ तक है, क्योंकि चाहते नहीं कि कोई व्यक्ति आपको वास्तविकता दिखाए। आपको क्या लगता है मीडिया वाले आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके अंदर जन जागरूकता डाल रहे? नहीं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें हैं। मूलभूत जो सुविधाएं पहले वो आप दीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पर नहीं, फिल्म का विरोध करना है। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली के जो है चीफ मिनिस्टर हैं, वो बंदा वास्तव में बहुत पढ़ा लिखा है। यदि जो व्यक्ति, देश की जनता यदि अरविंद केजरीवाल को न समझ पाए तो व्यर्थ है। वो किसी भी स्तर तक जा सकता है अपने लोगों की सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। यदि उसने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उसने प्रोवाइड किया तो गलत नहीं है, वो जानता है, वो उस जगह से व्यक्ति निकला हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने भी सीधा सीधा, वो सीएम जी भी कहे हैं कि मैं इस फिल्म का समर्थन करता हूँ और ऐसे लोगों के मुंह पे थूकता हूँ जो लोग इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में वो शिक्षा दी है जो बड़े बड़े लोग नहीं दे पाते हैं। और फिल्में जो हैं समाज का, देश का आईना होती है, उस फिल्म में उसने कहा है इस बार आप वोट दें तो बारीकी से देखें कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं, क्या वो हमारे सुख दुख में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कि एक बार वोट मांगने के बाद दोबारा उनके दरवाजे पर जाएंगे तो डंडा लाठी से बात करेंगे, तू तलाक बात करके बात करेंगे और कहेंगे तुम कौन हो बे, हैं तुम्हारे ही वोट से जीते हैं अकेले। पर उनको ये नहीं पता कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसलिए मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बड़ी संख्या में जाएं, इस फिल्म का आनंद लें और इस फिल्म से कुछ सीखें। मैं पहली बार इस फिल्म का, किसी फिल्म का प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म उम्दा है, बेस्ट है, 2.5 घंटे की फिल्म आपको बांधे रखेगी और पूरा फिल्म जो है मज़ा आ जाएगा। आप लोग जाएँ और देखें। जय हिंद, नमस्कार।